नमस्कार मु स्मिता आज आपण मानक पई गोटे बहुत ही बढ़िया रेसीपी नहीं के आसी जोटा कि नड़िया रे तयारी आउ नाटी होची नड़िया तरकारी आपण माने तरकारी रे नड़िया पकई थिबार देखि थिबे खट्टा हो कि कोनोसी मिक्स तरकारी हो किंतु स्पेशली नड़िया रे तरकारी आपण माने जानि छथि कि बहुत ही टेस्टी भात सहित हो कि रोटी सहित सबुथिरे खाइबा को बहुत ही बढ़िया लागिबो आ सबटु खास कथा होची एटा मात्र 15 मिनिट रे बनि कि रेडी हबो कम समय रे बनि कि रेडी होई थाए आ बहुत ही टेस्टी लागि थाए सिंपल रेसीपी टी तो वेलकम करूची स्मिताज कुकिंग पैशन को डेरी न करिकि चालंथु ई रेसीपी देखि नबा तो एटे मने जेची गोटे नड़िया प्रथमे नड़िया को तार खोलपारु भल भाव बाहर करबा एटे फ्रिज रे आकु रखी नहीं थी तो आपण मैंने जिते बी नड़िया खोलपारु नड़िया बाहर करिया को चाहूँ प्रथमे फ्रिज रे रखी दिंतु सेटा इजिली गोटा बाहरी जिवो तो ये आप देखिपे मुझे दुईट जाक को भल भाव बाहर करें नड़िया रो चोपाटा को बाहर करवा तार जो ऊपर स्किन टा को बाहर करवा जहाँफल कि तरकारी बहुत बढ़िया देखा जिवो तो ये आप देखिपे मुझे नड़िया रो ऊपर स्किन टा को बाहर करें नड़िया को छोट छोट पीस करके काटि ना छोट पीस मानने बेस छोट ना कि बेस बड़ ना जमी ग्राइंडर में यहाँ पेशी हे तो ये आपने देखिपे मुझे सब छोट छोट पीस करें आपको गोटे ग्राइंडर चेयर को ट्रांसफर करवा ट्रांसफर कर सारापर अल्प टिके पा देक आपको भल भाव पेशी नवा आपण मैंने चाहिए यहाँ कोरिकी बन पारे कि बनैले पटी में नड़ियाटा टी खदड़े लगी था तो ग्राइंडिंग करदे ये बहुत ही सफ्ट हो जाए तरकारी बढ़िया लगे देखो कितने भल भाव ग्राइंड हो जाए सुंदर देखा जा तो आपण मैंने जब ऊपर स्किन टाक बाहर न करेंगे तेल एत धला देखा ना टे लाल टे धला एमती देखा से ऊपर स्किन टाक बाहर पतला आपने करेंगे ठीक यहीपर भाव में करेंगे आए चाहिए पतला करेंगे कि बिल्कुल आउ मोटा रखे ना तो ये मुझे नड़िया को भल भाव ग्राइंड कर नहीं चलतु तरकारी बनवा गैस रे गोटे कड़े बसई नहीं कड़े को भल भाव गरम करेंगली सोरस तेल दुई चामच आपणसी कुकिंग ऑयल नहीं पारे तापर तेल को भलसे गरम करने पकईनेली गोटे चमच जीरा आउ अल्प टिके हेंगु हेंगु पकेबा द्वारा बहुत ही टेस्टी लगे हेंगु को बिल्कुल स्किप करेंगे ना तापर एबे एथिरे गोटे बड़ पियाज काटिकी नहीं जाइछि ताको पकेकी भल भाव मोळीबा जाके भाजी नबा आपण मैंने चाहिए ये गरम मसला यूज करें कि गरम मसला यूज कले जो नड़िया रो एसेंस थाए हुए तो सहीटा हाइड होती गरम मसला आड करूना किंतु आपण मैंने जब चाहिए गरम मसला मिक्स करें तो ये देखिपे पिज बहुत भल भाव ब्राउन कलर हो फ्राए होनी अदा रसुण पेस्ट देदे ये मुझे अदा रसुण पेस्ट मात्र देढ़ चमच नहीं बेस मसला ए दरकार ना तो अल्प मसला ने बहुत ही बढ़िया लगे ता मसला को टे मिक्स कर टेस्ट अकॉर्डिंग लुण और हल्दी गुंड गोटे चामच लंका गुंड गोटे चामच धनिया गुंड गोटे चामच पकई कि भल भाव सब को मिक्स करवा मिक्स कर सारापर ये मुझे लिड को कभर कर पखापाखि गोटे रू दुई मिनिट पाई गैस फ्लेम ये स्लो रहा मसला लगे पखापाखि गोटे मिनिट पर ये मुझे लिड को बाहर करें देखिपे मसला कितने बढ़िया देखा जाए गोटे टमाटो को स्लाइस काटिकी नहीं जाइए आपण मैंने चाहिए टमाटो को छोट छोट पीस करें ना तार प्यूरी भी नहीं पारे या ऐड करे अल्प टिके पानी दे दीजिए पानी देक भल भाव मिक्स करवा लिड को कभर करवा पाखापाखि गोटे रू दुई मिनिट पाई गैस फ्लेम ये स्लो टू मीडियम रखिपारे ना स्लो रे भी बनई पारे पाखापाखि गोटे रू दुई मिनिट पर ये मुझे लिड को बाहर करें देखिपे टमाटो ये अलमोस्ट बॉयल हो स्पैचुला भल भाव आपको मैश करवा टमाटो भल भाव मिक्स हो सारापर स्मैश हो सारापर एथिरे मुझे गोटे चामच काजुर पाउडर ऐड करुच्चे आपण मैंने चाहिए ऐड करूँ ना स्किप करूँ कि दरकार ना तो बस टिके रिचनेस आनेपाई मुझे काजुर पाउडर ऐड करसबू भल भाव मिक्स करने मसला ये बहुत बढ़िया से हो गला जो नड़िया को ग्राइंड करके रखी थे एड करके भल भाव मिक्स करवा रखे ये सब मोस्ट इम्पोर्टाट जिते बी आपने नड़िया को ऐड करेंगे आपको बिल्कुल भी कसबे ना कसिले भल लगे ना बस आपको भल भाव टे मिक्स करे स्लो फ्लेम अल्प टिके मतलब 30 सेकेंड भी नुह टे भल भाव मिक्स करके पानी दे देबे मुझे जो थे ग्राइंड करी से ही पा नहीं जाफल जहाँ नड़िया था से गुड़ाक वेस्ट हम ना तो पा दे सारापर हाई फ्लेम फुटे नवा ये मुझे लिड को कभर कर गैस फ्लेम को हाई कर भल भाव देखिपे फुटिगला फुटी सारापर ये आम कटा धनिया पत्र एड करवा घोल कनसीस्टेन्सी ठीक यहीपर भाव में रोक आपण मैंने चाहिए आउ टे पतला करें बट यहीपर भाव में रही भी बहुत ही बढ़िया लगे तो ये मुझे किसी कटा धनिया पत्र ऐड करनी लिड को कभर करके गैस को बंद करदेली तापर आम आपको सर्व करवा आपण मानक पुणी थे टिप्स टी कहीदेवी बिल्कुल भी नड़िया पकई सारापर या बेसी टाइम कसबे ना नड़िया बेसी टाइम कसले भल लगे ना
ବସ୍ ୟାକୁ ମସଲାକୁ ଭଲସେ କଷିକି ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନଡ଼ିଆ ତରକାରୀର ରେସିପି ବହୁତ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି, ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।